नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर काफी कुछ दिनों के बाद आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं। जो कि दोस्तों ये इसी तरह का वीडियो मैंने पिछले सप्ताह के अंदर पार्ट वन के रूप में आपके सामने रखा था, क्योंकि बार बार मुझे कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ वीडियोस अपलोड किए करिए ताकि हमें आफ्टर बीएससी बीए और बीकॉम के बाद कहीं पर अगर इंटरव्यू देना है तो हमें बहुत बहुत काम आ सके। तो दोस्तों पार्ट टू का ये वीडियो फिर से एक बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, जो कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ टीचर इंटरव्यू, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने कॉमन क्वेश्चन आपके लिए वीडियो में रखा था, जो कि कोई भी जॉब के लिए, कोई भी टाइप की जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉमन क्वेश्चन मैंने वीडियो में बनाए थे। आज का जो पार्ट टू का ये वीडियो है वो भी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो सभी टीचर के इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ ये वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वॉन्ट टू टीच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। दोस्तों आप टीचिंग करने को मतलब क्यों सोच रहे हैं, आपका ऐसा क्यों मन कर रहा है कि भाई मैं टीचर ही बनूं, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो दोस्तों उसका आंसर अगर आपको क्वेश्चन के रूप में इंटरव्यू कमेटी द्वारा पूछा जाता है कि भाई आप क्यों टीचिंग के लिए बहुत उत्सुक है और क्यों टीचर बनना चाहते हैं, तो उसमें आप थोड़ा कुछ मैं बता दूं उस तरह से तैयारी करिए, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडियली हैव जस्टिफिकेशन फॉर दिस, बहुत सोच के इसका जवाब देना है, टू इलस्ट्रेट योर एक्सपर्टाइज इन टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी या फिर हिस्ट्री गुजराती संस्कृत जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपने ग्रेजुएशन किया है फिर बीएड किया है, तो उसके अंदर आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसको आपको इलस्ट्रेट करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन उसका आंसर अगर आप जब देते हैं तो उसमें आपको एक्सप्लेन क्या करना होगा, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँ तो आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश टू सेकेंडरी स्कूल किड्स बिकॉज आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस देम टू गुड लिटरेचर सिनेमा एंड म्यूजिक। अगर आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है तो आपको प्रूव करना है कि भाई मैं क्यों इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ, और सेकेंडरी स्कूल में या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चों के लिए इंग्लिश आती है वो इंग्लिश भविष्य के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। एज अ लिटरेचर एंड एज अ कैरियर इन वेरियस फील्ड, सिनेमा म्यूजिक या फिर लिटरेचर के अंदर इंग्लिश का महत्व क्या है वो आपको कमेटी के समक्ष एक्सप्लेन करना है, प्रूव करना है, इसीलिए मैं इंग्लिश का टीचर बन सकता हूँ। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना सब्जेक्ट पर्टिकुलरली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों टीचर के इंटरव्यू में बहुत कॉमन एक क्वेश्चन कमेटी के द्वारा ये भी पूछा जाने वाला है, क्या प्रश्न, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, हालांकि उसके पास आपकी डिग्री या जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है सबमिट करी है, फिर भी आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये बातें बतानी है कि आई एम कम्प्लीटेड अ बीएससी एंड बीएड, अगर बीए किया है तो बीए एंड बीएड, इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो वो भी बता दीजिए, ठीक है, किस साल में कौन से साल में आपने किया है, देन उसको बताइए
कि आई स्टडीड अ रेंज ऑफ साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स देयर, मैंने साइंस में इतने इतने सब्जेक्ट स्टडीड किए हैं विथ अ फोकस ऑन केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री ऊपर फोकस करिए। इन विच आई ग्रेजुएटेड विथ डिस्टिंक्शन, अगर आपने डिस्टिंक्शन पाया है तो डिस्टिंक्शन, सर मैंने केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन पाया है, सर मैंने केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास पाया है, मैंने इतनी इतनी डिग्रियाँ हासिल की है, ये सारी बातें आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये क्वेश्चन में बहुत शॉर्टली विद इन 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू यू थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। दोस्तों वो लोग पूछेंगे कि यही संस्था के लिए, यही कॉलेज के लिए, इसी स्कूल के लिए आप एग्जैक्टली फिट होते हैं, ऐसा आप क्यों सोचते हैं। तो दोस्तों उसके आंसर में आपको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताना है कि आई नोटिस्ड दैट द स्कूल डज नॉट हैव जूनियर लेवल टीम फॉर एनी स्पॉट। दोस्तों अगर आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर यानी कि MPED किया है या फिर BPED किया है, यानी कि मतलब स्पोर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको बताना है कि सर मैंने पढ़ा है, कहीं पर देखा है, और आपकी जो स्कूल के बारे में जितना भी पढ़ा है उसमें जूनियर लेवल टीम के लिए कोई भी स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी या फिर कोई टीचर नहीं है। एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आई बिलीव इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट स्टूडेंट्स इन टू फिजिकल एक्टिविटीज़ अर्ली ऑन फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी मायने लगती है, स्टूडेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारा इम्पोर्टेंट आपको इंटरव्यूअर या फिर कमिटी के सामने आपको रखना है। देन आपको बताना है कि आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस इन कोचिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स फॉर अ वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स। सर मैंने इतनी इतनी स्कूल में ऑनररी सेवा के जरिए कोचिंग किया है स्पोर्ट्स के अंदर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है वो बता सकते हैं। अगर फिजिकल इंस्ट्रक्टर नहीं है और पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के टीचर है और कहीं पर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ भी बोलता है, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपको बताना है कि सर मेरा उसी स्कूल के अंदर इतना मैथ्स का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने साल मैथ्स पढ़ा है, इतने महीने तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, इतने महीने तक मैंने फिजिक्स या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो मुझे पूरा कमांड इस सब्जेक्ट में है। देन चौथा क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट योर स्ट्रेंथ्स इन टू योर टीचिंग प्रोफेशन। दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके टीचिंग प्रोफेशन जो है आपका पर्टिकुलर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी कि आपकी सारी अच्छी अच्छी बातें जो है क्वालिटी बेस्ड बातें, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बतानी है। तो एज अ टीचर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट माई प्रायर एक्सपीरियंस इन ड्रामा हैज अलाउड मी टू रिमेन द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली वाइल वर्किंग विथ लोअर ग्रेड्स एंड काइंडर गार्टनर्स। आई ऑफन यूज स्मॉल थिएट्रिक्स टू मेक देम कंफर्टेबल इन माई प्रेजेंस एंड यूज वॉइस मॉड्यूलेशन टू होल्ड ऑन देयर अटेंशन विदाउट बोरिंग देम। दोस्तों कमिटी के जो इंटरव्यूअर है, सामने बैठेली कमिटी जो है उसको कोई बोरिंग महसूस न हो, इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ जो है, मैंने यहाँ पर कुछ और किस्से के अंदर स्ट्रेंथ बताई है, लेकिन आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है जिस जैसा भी फील्ड में जहाँ पर भी आपने काम किया है, जिस फील्ड का आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, उसमें जितनी भी अच्छी स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, ये आपको कमिटी के सामने रखनी है, लेकिन विदाउट बोरिंग शॉर्ट एंड स्वीट आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन क्वेश्चन 5 पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन टीचिंग। दोस्तों टीचिंग के अंदर डिसिप्लिन का रोल क्या है, शिस्त डिसिप्लिन बहुत मायने लगती है टीचिंग में, तो इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है कि हाउ डू यू अप्रोच इट,
आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए मैं बताना चाहूँगा आपको किस तरह से आंसर देना है। आई प्रीफर टू एक्सप्लेन वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ माई स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, सो दे क्लियरली नो वॉट सक्सेस लुक्स लाइक। ठीक है, आई प्रीफर टू एक्सप्लेन वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ माई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं उसी हिसाब के आपको डिसिप्लिन एक्सप्लेन करनी है। विदाउट डिसिप्लिन स्टूडेंट्स मे नॉट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन। दोस्तों स्टूडेंट्स को रियलाइज करने के लिए, विदाउट डिसिप्लिन स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं करने वाला है। तो डिसिप्लिन, अगर स्टूडेंट्स को आप डिसिप्लिन सिखाएंगे तब जाके कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे। स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सीरियस बनेंगे, लेकिन जो भी विषय में आप पढ़ाई कर रहे हो इन द क्लासरूम और आउट ऑफ क्लासरूम या फिर ग्राउंड के ऊपर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को लेकर, तो आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही होगा। और उसके लिए आपको बताना है कि आई हैव पर्सनली फाउंड दैट अ मेरिट सिस्टम इज द बेस्ट मेथड फॉर एप्रिसिएटिंग गुड बिहेवियर। तो दोस्तों ये मेरिट सिस्टम जो है उसको आप लोग आपको अप्लाई करना है, और स्टूडेंट्स को एप्रिसिएट करने के लिए मेरिट सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट टू क्रिएट द डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स। और आप जानते हैं विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी डन, तो आपको डिसिप्लिन को जनरेट करना ही है, क्रिएट करना ही है। और डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए आपके पास पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, आपकी डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के पास आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और वेरियस टाइप ऑफ ये मेरिट सिस्टम जैसी कोई बेस्ट मेथड अगर आप एप्रिसिएटिंग करने के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। देन द क्वेश्चन 6, दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है टीचर के इंटरव्यू में, हाउ डू यू वर्क विद द पेरेंट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। दोस्तों आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट के साथ अगर आपको मिलना जुलना है होता है, या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट कोई कोई पेरेंट अगर स्कूल में आते हैं और आपको मिलना चाहते हैं, तो उसके साथ आपको किस तरह से बातें करनी है या फिर उसके साथ आपको कैसे काम लेना है, तो उसका एग्जाम्पल मैं इसी तरह से आपको बताना चाहूँगा। पेरेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल इन द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। दोस्तों कोई भी चाइल्ड है, कोई भी स्टूडेंट है, उसकी लाइफ में अगर पर्सनल डेवलपमेंट उसका करना है तो पेरेंट का रोल बहुत बहुत मायने लगता है। आई बिलीव इन वर्किंग विद पेरेंट्स टू इंश्योर दैट दे टेक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉवर्ड्स देयर चाइल्ड सक्सेस। दोस्तों जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ाई करवाते हैं, या फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो जो भी आप उसको ग्राउंड के ऊपर सिखाते हैं, ये सारी बातें जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर टीचर के बाद है तो उसके पेरेंट की है। तो पेरेंट को आपको, क्योंकि पेरेंट तो चाहेगा ही चाहेगा, उसके चाइल्ड की अगर सक्सेस होती है तो पेरेंट को बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें पेरेंट का रोल भी अहम है। तो आपको पेरेंट के साथ काम करना होगा, कॉन्टेक्ट में रहना होगा, उसके बारे में एक एक पल की जानकारी आपको उसके पेरेंट को, सभी बच्चों के पेरेंट को बतानी ही है, ताकि वो लोग अपनी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बच्चों को सक्सेस होने में बहुत मदद करेगा। देन माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द पेरेंट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। दोस्तों आपको कमेटी को बताना है कि जहाँ जहाँ पर मैंने काम किया है इसके पहले, जो भी इंस्टीट्यूशन में मैंने टीचर का रोल निभाया है, उसमें मैं सभी बच्चों के पेरेंट्स के साथ टेलीफोनिक या फिर किसी दूसरे माध्यम से बिल्कुल कांटेक्ट में था, और सभी जानकारी मैं पेरेंट के पास से हर हफ्ते रेगुलरली लेता था। दे कैन कॉन्टैक्ट मी टू आस्क एनी क्वेश्चन। वो लोग मुझे टेलीफोनिक या मीडिया के माध्यम से भी कई सारे क्वेश्चन करते थे, मैं उसका आंसर देता था। और इसी तरह से मैं बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख के, बच्चों का परफॉर्मेंस के जो बारे में पेरेंट्स को हर हमेशा बताता रहता था। और चाइल्ड की या कोई भी स्टूडेंट की सक्सेस के अंदर पेरेंट का रोल जो है वो अच्छी तरह से निभाने के लिए सतत मैं
कांटेक्ट करता रहता था। ये सारी बातें आपको बहुत शॉर्टली इंटरव्यू कमेटी के सामने रिप्रेजेंट करनी है। देन छठा क्वेश्चन है आपको पूछा जाने वाला, हाउ डू यू वर्क विथ पेरेंट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, ये रिपीट हो गया है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ वेल कैन यू इनकॉर्पोरेट द सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सिलेबस दैट द स्कूल फॉलोज। दोस्तों कोई भी स्कूल है, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल हो या फिर प्राइमरी स्कूल भी हो सकती है, कॉलेज भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड है उसका सिलेबस है उसको इनकॉर्पोरेट करने में आपका योगदान किया है। तो दोस्तों इसके जवाब में आपको एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा कुछ इस तरह से, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आपको बताना है कि आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस टीचिंग हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन अ CBSE स्कूल एंड हेल्पिंग देम प्रिपेयर फॉर देयर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस, दोस्तों आपको बताना है कि हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो है या फिर सेकेंडरी स्टूडेंट्स है उसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन सिलेबस जो होता है वो मैंने पढ़ा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और वो जो सिलेबस है वो स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम में कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये सारा एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी कुछ महीनों से या काफ़ी कुछ समय से है, तो मैंने ये योगदान दिया है। अगर नहीं दिया है तो बिल्कुल मना कर दो कि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आने वाला जो भी सिलेबस होगा आपके इंस्टीट्यूशन में जो भी सिलेबस होगा उसको मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा और मेहनत करूंगा, कड़ी मेहनत करके मैं इसी सिलेबस को अपना साधन बनाऊंगा और आई विल बी प्रिपेयर्ड। ऑन एवरेज अराउंड 30 पेरेंट्स ऑफ माई स्टूडेंट स्कोर एन ए ग्रेड इन माई स्कूल। अगर आपका योगदान अच्छा रहा हो और आपको रिजल्ट मिला हो कि भाई बहुत अच्छे नंबर से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परसेंट लाके ए ग्रेड के अंदर मैंने पढ़ाए, मैंने उस कोचिंग में अगर मैं मेहनत की है तो उस कोचिंग का रिजल्ट भी इस तरह से ए ग्रेड का आया था, ये सारी बातें आपको बतानी है। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू यूज टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ये क्वेश्चन तो पूछने ही वाले हैं वो लोग तुम्हें, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आप उसमें यूज़ करते हैं आपके मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर वो सारी बातें यहाँ पर बतानी है। अगर आप एग्जांपल देना चाहो, अगर आपको पास कोई एक्सपीरियंस है और एग्जांपल देना चाहो और आप अगर मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं तो आपको बताना है कि आई थिंक दैट टेक्नोलॉजी एक्सेलरेट अ स्टूडेंट्स लर्निंग कैपेसिटी एंड स्पीड। दोस्तों ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है तो टेक्नोलॉजी के इस समय में मोबाइल या फिर लैपटॉप या कोई टीचिंग एड जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाने की मेथड भी अच्छी होती है, स्टूडेंट्स भी सारे टीचिंग एड का यूज़ कर सकता है टेक्नोलॉजी में, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है दोस्तों। और ये सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मोबाइल का, प्रोजेक्टर का फिर या फिर कोई मल्टीमीडिया का यूज़ करना, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ाता है, अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, ये सारी बातें आपको बतानी है। लेकिन आपको बताना ये भी है कि टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू डिस्ट्रैक्ट, सो सेटिंग गाइडलाइंस फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इज वाइटल। दोस्तों कभी कभी ऐसी स्कूल्स होती है, कभी कभी ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पर इंटरनेट का या फिर टीचिंग एड्स का टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी बातें भी आपको बतानी है कि जहाँ पर फैसिलिटी है तो आई कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग। ठीक है, आई ऑफन गिव माई स्टूडेंट्स असाइनमेंट दैट रिक्वायर कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू अचीव गोल। दोस्तों टेक्नोलॉजी के जरिए आप जो भी टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, कोई और टीचिंग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, अच्छी अच्छी मटेरियल कलेक्शन करने की आपकी क्षमता है, तो ये जो भी इन शॉर्ट की टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाई में मेथड ऑफ टीचिंग का आज ये नए जमाने का कॉन्सेप्ट जो है
उसके अंदर आप जितनी भी हिस्सेदारी कर सकते हो और आपका अच्छी स्किल आपकी जिसमें भी हो, वो सारी टेक्नोलॉजिकल बातें आपको यहां पर बतानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट इज योर टीचिंग स्टाइल। दोस्तों आप किस तरह से पढ़ाते हैं, किस मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करते हैं, ज्यादातर आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है, तो आपको कमिटी को बताना है कि आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई नोट्स अ वीक प्रायर टू स्टार्टिंग अ क्लासरूम लेसन। हर हफ्ते क्लासरूम लेसन शुरू करने के पहले मैं मेरी तैयार करी हुई नोट स्टूडेंट को रेगुलरली देता हूँ। ड्यूरिंग दिस वीक आई पॉपुलेट द क्लासरूम विथ इंटरेस्टिंग विजुअल मटीरियल एंड इन्फोग्राफिक्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, दिस वे माई स्टूडेंट्स कैन फेमिलियराइज देमसेल्स विथ द डेवलप क्वेरीज अबाउट द सब्जेक्ट बिफोर द क्लासरूम सेशन स्टार्ट। दोस्तों जब आई पॉपुलेट द क्लासरूम विथ इंटरेस्टिंग विजुअल मटीरियल, दोस्तों विजुअल मटीरियल जो होता है या फिर सॉफ्ट कॉपी होती है पीडीएफ के रूप में या फिर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए या कोई इमेज के रूप में आप जो स्टूडेंट्स को प्रायर टू वीक देते हैं, रेगुलरली प्रायर टू स्टार्ट योर क्लासरूम देते हैं, वो पढ़ाई बच्चे घर पे करके जब क्लासरूम में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो उसको कितना आउटपुट मिल रहा है, स्टूडेंट्स का ओपिनियन क्या है, स्टूडेंट्स का इम्प्रेशन कैसा लगता है, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन जो है उसके इमोशंस है, उसके जरिए हमें पता चलता है कि टीचिंग स्टाइल, जब मैं ये स्टाइल अप्लाई करता हूँ मेथड ऑफ टीचिंग तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिला था, इस हफ्ते मैंने इसी स्टाइल में पढ़ाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने ये स्टाइल में पढ़ाई की थी तो बच्चों को मज़ा नहीं आया था। तो आपको जो भी रिजल्ट अच्छा मिले वही मेथड से आपको पढ़ाना है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइल जो है मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करते रहेंगे तो मैं मेरे टीचिंग में, लर्निंग एंड टीचिंग के प्रोसेस में आई विल बी सक्सेस, ये आपको इंटरव्यू कमेटी को बताना चाहिए। दोस्तों अब आखिरी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। ये तो हर हमेशा हर इंटरव्यू में आपको लास्ट में पूछा ही जाएगा शायद, तो आपको बहुत बहुत आइडियली आपको आंसर देना है, अगर आप आंसर नहीं देंगे तो कमेटी को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आपको देना ही होगा कि आपको कोई क्वेश्चन है इंटरव्यूअर कमेटी जो है उसके सामने, तो दिस इज अ फेयरली कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर्स इन ऑल डोमेन, फील फ्री टू प्रिपेयर क्वेश्चन इन एडवांस टू आस्क योर एम्प्लॉयर। दोस्तों आप ऐसे दो तीन क्वेश्चन निकालिए जो आपको सामने से कमेटी को लास्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मेक श्योर दैट योर क्वेरीज आर जेन्यून एंड लीड टू सम मीनिंगफुल डिस्कशन और क्लैरिटी। आप जो भी क्वेश्चन कमेटी को करें कि सर मुझे भी ये क्वेश्चन है, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका वो क्वेश्चन जेन्यून होना चाहिए, बिना लॉजिकल इन लॉजिकल क्वेश्चन आपको सामने नहीं बताना है। ठीक है, इससे तो अच्छा है आप कुछ भी मत पूछो, लेकिन अगर आप सामने क्वेश्चन करते हैं कमेटी को तो जेन्यून एंड मीनिंगफुल जो डिस्कशन है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करिए जो साफ साफ उनको समझ में आए। ठीक है, उसका एग्जांपल अगर मैं अगर देना चाहूँ तो हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। ठीक है, हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस, आप सक्सेस किसको कहते हैं पर्टिकुलर जॉब रोल, टीचिंग की जॉब में आप सक्सेस किसको बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह का मीनिंगफुल लॉजिकल जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियरली समझ में आए ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपको कोई आपकी कोई डिमांड होगी, डिमांड यानी कि सैलरी वाली डिमांड की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, अप एंड डाउन के बारे में, आपकी कोई दिक्कतें हैं वो आने जाने वाली रहने की, ऐसी कोई दुविधा में अगर आप हो, टीचिंग लर्निंग में कुछ हो, संस्था के बारे में कुछ हो, परमानेंटशिप के बारे में कोई क्वेश्चन हो, तो अगर आप कुछ ना कुछ पूछोगे तो कमेटी को जरूर अच्छा लगेगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन टीचर के इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं वीडियो के रूप में आपको और भी
नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद भी प्रोवाइड करना चाहूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर लिखिए। आपकी पसंदगी की कोई भी जॉब हो उसके बारे में अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी है तो मुझे अवश्य बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना लूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे जो मेरे वीडियोज़ है आपको बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो भी पसंद आया है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत ग्रुप में शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, धन्यवाद।